अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। अच्छा जी, आज भी लाइव नहीं आया जाएगा, इसी वजह से ना मैं रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ। बट इनशाला कल से जो है ना वो हम लोग लाइव आएंगे। थोड़ा सा ना इंटरनेट का इशू है। आज के एनालिसिस स्टार्ट करेंगे हम लोग BOOM 500 से। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो आप लोग प्रेस करते करते हो। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना H4 टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे ये जो चैनल था ना इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब मार्केट जो है ना वो इसको ऊपर रीटेस्ट करने जो है ना वो आई हुई है, ठीक है। बट इस रीटेस्ट के दौरान ना जहां पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, ठीक है, भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट मार्केट ने इसका रीटेस्ट कर ही दी है, ठीक है। बट पॉसिबल है कि मार्केट एक दफा और यहाँ पे रीटेस्ट करे, ठीक है। इसकी रीजन क्या हो सकती है, ये आप लोगों की क्विक ट्रेड भी बनेगी। अभी अगर यहाँ पे आप लोग ये देखें ना, ये ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से इसी स्ट्रक्चर की, ठीक है। और सेकंड आप लोगों का ये पीछे एक अच्छा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना ये आप लोगों का स्ट्रक्चर बना है, इसका रीटेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे सपोर्ट भी बन रही है ये वाली, और इसके अलावा यहाँ पे भी ये हिस्ट्री में अच्छी, ये देखें आप लोग, यहाँ पे छोटी सी एक सपोर्ट रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी हमारे काम आ सकता है। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना वो है ये, यहाँ पे फ्लैग भी बन रहा है ये, तो ज्यादा चांसेस इसके ब्रेकआउट के ही है कि मार्केट जो है ना वो इस फ्लैग से फुलफिल करेगी इसको, ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट एक और स्विंग लगा सकती है कंप्लीट करने में। और मैं अगर आप लोगों को मजीद दिखाऊं ना, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बनी है ये, तो इसकी बेस के ऊपर हम लोग इसको यहां से बाय जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि इससे ज्यादा बाय नहीं होगा, यानी कि अगर हम लोग बाय करते हैं ना तो इससे ज्यादा मार्केट को होल्ड नहीं कर पाएंगे हम लोग। अगर करेंगे तो ये फ्लैग जो है ना वो आपका ब्रेक हो जाएगा, और H1 का फ्लैग है और मार्केट ज्यादा लंबे वाला नीचे आएगी यहाँ से, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। ये पॉइंट मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ, 402 से लेके मैक्सिमम 381, ये इससे नीचे अगर मार्केट आ गई ना तो फिर आप लोगों की मार्केट जो है ना वो यहाँ से नीचे क्रैश कर जाएगी, ठीक है। इससे ऊपर ऊपर आप लोगों ने इसको जो है ना वो बाय करना है। क्रैश 500 की अगर बात की जाए तो ये मार्केट ने ना अभी ये चीज ब्रेक की है, ठीक है। अब जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि मार्केट का सिंपल वेट करना है इस पॉइंट के ब्रेकआउट का, ठीक है। और फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर जो है ना ये ट्रेड बनेगी, और ये बहुत सिंपल से पॉइंट है, 227, 237, 247, ठीक है। उससे 20 पॉइंट ऊपर आप लोगों ने अपना ऐसा लगा लेना है। अभी भी आप लोगों को पॉइंट नजर आ रहे होंगे 42.27, 42.54, ये अभी जो है ना वो यहाँ पे एनालिसिस, ये जो है ना वो एरिया है जिसको आप लोगों ने सेल जो है ना वो करना है, इसके ब्रेकआउट का वेट करना है, ठीक है। और H4 की क्लोजिंग इससे नीचे होनी चाहिए, फिर इसके रिटेस्ट पर ट्रेड आप लोगों ने करना है, ठीक है। अभी आप लोग देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी ना, तो यहाँ पे मार्केट ने एक सप्लाई जोन बनाया था ये वाला, अभी मार्केट इसी को टेस्ट करके नीचे आ रही है, तो यहाँ पे अभी भी मार्केट के क्रैश के जो है ना वो ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अगर क्रैश 1000 की बात की जाए तो ये अभी फिलहाल बाय है, ठीक है। ये एरिया जो है ना वो अच्छा रेजिस्टेंस था जो कि सपोर्ट बना, तो मार्केट यहाँ से जो है ना वो रिजेक्शन दिखा सकती है, ठीक है। बट अगर H4 की क्लोजिंग इससे नीचे होती है तो फिर स्टोरी कुछ चेंज होगी। बट जितना मार्केट डिप में है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो यहाँ से मार्केट अगर नॉर्मली रिजेक्शन भी बाय की देती है ना तो ये आप लोगों की एटलीस्ट 100 पिप के राउंड बोर्ड चली जाएगी, ठीक है। इसलिए जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम लोग इसको अभी सेल नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर ये भी आप लोग देखें ना, तो यहाँ पे मार्केट ये सपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ट्रायंगल टाइप भी बना रही है जो कि मार्केट की बाय की इंडिकेशन दे रही है ये चीज। बट इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये स्विंग कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। इस वजह से जो है ना मैं इसको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ, बट एविडेंस जो है ना वो यहाँ पे अभी बाय के जो है ना वो बन रहे हैं। BOOM 1000 की अगर मैं बात करूं तो
यहाँ से इसको अच्छी रिजेक्शन हुई है। अभी थोड़ी देर पहले जो है ना वो दो जो है ना वो रात में देख रहा था, इंटरनेट नहीं चला, वरना मैं आप लोगों को यहाँ से बाय करवाता। अब जो है ना मार्केट यहाँ से ऊपर पंप कर रही है, ठीक है, तो इसको पंप करने दे यहाँ तक। यहाँ से जो है ना वो इसकी मजीद 200 पिप, यहाँ से इसकी रिजेक्शन पॉसिबल होगी। एक तो स्ट्रक्चर का रीटेस्ट है अगर आप लोग देखें तो, ठीक है, ये वाला, यहाँ से रिजेक्शन जो है ना वो होगी। बट अगर अभी के बाय की बात की जाए ना, तो अभी मार्केट बाय में कोई सेटअप देगी? बिल्कुल देगी। यहां से जो मार्केट निकली है ना, ये तो ये मार्केट ने यहां पे एक स्विंग बना दिया। ये स्विंग काउंट नहीं हो रहा था क्योंकि मार्केट ने दो, एटलीस्ट आपकी दो अच्छी वाली कैंडल जो है ना वो बस जो है ना वो सेल में लगनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये स्विंग कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने ये दो हैमर लगाए बिल्कुल टॉप पे और सिर्फ एक कैंडल दिया, उसके बाद रिजेक्शन। तो यहाँ पे मार्केट ने जो है ना वो छोटा सा स्विंग बनाया। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए ना, अब अगर मार्केट आप लोगों की इस रिजेक्शन पे आती है अगेन, फिर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर इसका बाइंग पॉइंट बनेगा यहाँ से कुछ, ये इसका नेक्स्ट वैल्यू होगा। भी मार्केट जैसे इस टीएल को टेस्ट करेगी, यहां से यहां तक बाय करेगी, फिर उसके बाद जो है ना वो मार्केट यहां से नीचे आएगी, ठीक है। आप लोगों ने वेट करना है सेटअप्स के बनने का, ठीक है, फिर इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो ट्रेड करना है। बाकी मैं कोशिश करूंगा रात को लाइव आने की, अगर इंटरनेट चल गया, अगर ना चला तो फिर कल से इंशाल्लाह हम लोग डेली लाइव आया करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।